गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप सब भाई। तो और एक नई सुबह हो चुकी है और हम दिखाते हैं आपको हम कहाँ पे हैं भाई। तो हम हैं पुडुचेरी के बीच में यार। ये देखो कुछ इस प्रकार जगह में टेंट लगाए थे कि ना हम समुंदर किनारे ना, हमको सोने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा टेंट एंड अरुण भाई का यहाँ पे टेंट है भाई। और अभी देखो सन का उठने से पहले सारा वीडियो शूट कर लेना है क्योंकि सन इस डायरेक्शन में, तो हम समुंदर का ना व्यू अच्छे से ले नहीं पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा भाई अरुण क्या कर रहे हो, उड़ जाओ। वो देखो भाई अभी वो उठ रहा है, जल्दी आ जाओ नहीं तो फिर शूट नहीं होगा भाई। एंड बहुत ही शानदार यहाँ का भाई दृश्य है, क्या ही बताए। एंड मस्त सा नजारा है भाई। और एक चीज बता दे आप सभी को कि अब भी ना हम थोड़ा जूम करते उसके बाद बता दो। हाँ इधर से हो आप बहुत सारे क्या बोल, अरे बहुत दूर आ रहा है अभी पानी का ना थोड़ा रफ्तार थोड़ा बढ़ गया इसीलिए यहाँ तक आ जा रहा है। देखें हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ जो इतने भी नाव वगैरह देख रहे हैं ना सारे के सारे अभी सुबह सुबह उतरा है मछली पकड़ने के लिए। और जस्ट अभी मछली पकड़ के फिर एक दो घंटा बाद फिर रिटर्न आ जाएगा और यहाँ पे रोड किनारे फिर मछली बेचने लग जाएगा। और ये है मतलब क्या बोलते हैं, जो बिना इलेक्ट्रिक वाला है जो कि हाथ से ही मतलब उसको क्या बोलते हैं यार, हाथ से जो चला चला के लाता वो वाला है। और वो वाला मोटर वाला सब है, जो दूर दूर दिख रहा है ना वो मोटर वाला है इसलिए वो दूर चला गया है। और जो नज़दीक नज़दीक है ना तो हाथ से ही, जैसे कि पहले तो कुछ था नहीं तो हाथ से ही आगे पीछे करते थे ना वही वाला है। तो दो दो जन करके गया हुआ मछली पकड़ने के लिए, नज़दीक ही पकड़ता है ये लोग, मछली मिलते रहता है। और इस प्रकार कुछ दृश्य है। और देखो कुछ ही देर में सूर्य विराजमान हो जाएगा हमारे इस पावन धरती में। एंड भाई कुछ शानदार देखो, नारियल के पेड़ और ताल के पेड़, और ये सारे के सारे ताल के पेड़ है, नारियल के पेड़ तो नहीं है। और वाकई बहुत ही शानदार दृश्य लग रहा है भाई। एंड भाई यहाँ पे सो के जो फील लगा ना यार, क्या ही बताएं, बहुत ही शानदार मजा आ गया था यार। रात को हम लोग लकड़ी वगैरह में आग भी जलाए थे, उधर वो जो दिख रहा है ना वहाँ पर हम लोग आग वगैरह जलाए थे। एंड ये पूरा का पूरा बीच साइड है, पूरा का पूरा इधर मछली पकड़ने वाला बीच साइड है। और वो टाउन का जो बीच है ना उधर है, तो हम लोग उधर नहीं सोए क्योंकि वहाँ ना पब्लिक बहुत ही ज़्यादा थी, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। एक खाली सा जगह में ना सोने में कुछ अलग सा ही मज़ा आता है, तो हम लोग यहाँ पे सो गए भाई। भाई समुंदर किनारे आए हैं और बिना नहा के जाएंगे, ये कभी हो सकता है यार। सुनो अभी समुंदर में भाई, बीच का सारा काम कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं सफर स्टार्ट करते हैं।
देखो यार पानी की कीमत कैसे होती है। ये देखो एरिया देखो, इस टाइप का एरिया है, और ये पीने का पानी ले जा रहे हैं। देखो पानी भी कैसा है, तब पर भी यहाँ के लोग पीते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, इसके अलावा कोई पानी भी नहीं है।